ओके बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ लिए थे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर किन्हीं बच्चों को नहीं समझ में आया हुआ तो उनके लिए हम एक ट्रिक और लाए हैं, एक वन भी और लगाए हैं, जिसमें आप बहुत इजिली कॉन्सेप्ट से इसको आप समझ सकते हैं ना, बहुत इजिली कॉन्सेप्ट इसको आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं और उसमें अपना प्रोबेबिलिटी यानी कि सक्सेस को कंसिडर करते हैं। तो लेट सपोज दैट अगर हमारे पास फोर इवेंट है, यानी फोर, चलिए कॉइन को ले लीजिए, फिर डाइस को ले लेते हैं, ठीक है। डाइस को अगर हम रोल कर रहे हैं, डाइस को रोल कर रहे हैं और सिक्स जब आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, विनिंग होगा, यानी सक्सेस होगा, यानी सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक बार नहीं कर रहे बच्चों, हम लोग इसको ले लेते हैं कितनी बार, एटलीस्ट क्या ले लेते हैं, फोर टाइम्स। तो फोर टाइम में सिर्फ एक बार हमको चाहिए, सिर्फ एक बार। हम लोग घर में खेलते हैं ना लूडो खेलते हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर चार बार में एक बार हमको सिक्स आ जाना चाहिए, तो चार बार में एक बार सिक्स आ जाना चाहिए, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, डाइस ले रहे हैं, रोल कर रहे हैं, सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए सिक्स आने का, कितने बार में, चार बार में। तो चार बार में सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो क्या क्या होगा, अब ध्यान रखिए, या तो पहली बार में आ जाए तो उसको हम लोग सक्सेस कंसिडर कर लेंगे, या फिर तीन बार में नहीं आए, पहला बार में आया, तीन बार में नहीं है, चार बार में एक बार में आना है, कम से कम ये क्या मिल रहा है, एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट क्या हो गया, वन टाइम, या फिर मिनिमम वन टाइम, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख लो, गेटिंग सिक्स एट वन टाइम, वन टाइम, एक टाइम हमें आना चाहिए, मिनिमम नहीं लिखे, मिनिमम लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाएगा ना। तो क्या लिखे, एक टाइम हमें सिक्स आना चाहिए, चार बार में एक बार सिक्स आना चाहिए, तो कैसे कैसे आ सकता है, या तो पहली बार आ गया, तीन बार नहीं आया, या तो दूसरे बार आ गया, या तो, या फिर ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तुम फिर समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, फिर समझिए कि हम लोग लूडो खेल रहे हैं, है ना, इसमें डाइस थ्रो कर रहे हैं, अब डाइस थ्रो कर रहे हैं, चार बार में एक बार आना चाहिए, चार बार में एक बार आना चाहिए, यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट और एटमोस्ट का बात नहीं हो रहा है, चार बार में एक बार हमारा सिक्स आना चाहिए, तो चार बार में एक बार सिक्स आना चाहिए, तो किस तरह से आ सकता है, तो या तो पहले बार में आएगा, तीन बार नहीं आएगा, या तो पहले बार में नहीं आएगा, दूसरे बार में आएगा, तीसरे चौथे बार में नहीं आएगा, या तो दोनों बार में नहीं आएगा, इस बार आएगा, इस बार नहीं आएगा, तीनों में नहीं आएगा, चौथे बार में आएगा, है ना, तो चार बार में एक बार सिक्स आ रहा है। तो यहाँ पे कंसिडरिंग क्या है कि एस हमारा सक्सेस और एफ हमारा क्या फेलियर है, एस को हम क्या चीज डिनोट करते हैं, सक्सेस को डिनोट क्या चीज कर रहे हैं हम लोग बच्चों, पी से, और फेलियर क्या डिनोट कर रहे हैं, क्यू से, फेलियर क्या डिनोट कर रहे हैं, क्यू से। तब इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, अब ध्यान समझिए, और ये क्या हो गया, ये भी क्यू इंटू पी इंटू क्यू हमारा फेलियर का, पी हमारा सक्सेस का, ये क्या हो गया, फिर क्यू इंटू क्यू, फिर यहाँ से क्यू इंटू क्यू इंटू पी इंटू क्यू, या फिर क्यू इंटू क्यू इंटू देखते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे सभी में तो वही आ जाएगा, थ्री पी क्यू क्यू, थ्री पी क्यू क्यू, थ्री पी क्यू क्यू, सॉरी थ्री नहीं, पी क्यू ना सिर्फ होगा, सॉरी थ्री नहीं होगा, तो पी क्यू क्यू, पी क्यू क्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी क्यू क्यू हो जाएगा। इसको अगर हम एक तरह से कंसिडर करना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर पी क्यू क्यू, फोर पी क्यू क्यू आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं किसी को, या हमारे पास सक्सेस आने का यानी कि एक बार ये आने का प्रोबेबिलिटी है, एक बार चार बार में एक बार सिक्स आने का ये प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं P x इक्वल टू वन, यही ना, एक बार आने का P, एक बार चार बार में एक बार सक्सेस आने का, यानी सक्सेस आने का यानी कि एक बार सिक्स आने का, उसको मैं भी कह सकता हूँ सक्सेस आने का, भी सिक्स आने का, बात तो बराबर ही है। तो चार बार में एक बार सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी हमारा ये है, प्रोबेबिलिटी हमारा क्या ये है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें कुछ इस तरह से, फोर सी वन, क्या लिखना चाहें, फोर को फोर सी वन, और पी को क्या लिखना चाहें, पी को वन, और क्यू को फोर माइनस कितना, वन, फोर माइनस वन, तो भी हमारा हो सकता है, पी इक्वल टू एक्स माइनस है, तो फॉर्मूला हम यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। अगर वन की जगह पे क्या हो गया, आर हो गया, अगर हमारे पास वन की जगह पे क्या हो गया, आर हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन, तो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल एन सी आर, तो देखा नहीं, और पी का वैल्यू आर, क्यू का वैल्यू एन माइनस आर, तो यही आपका सक्सेस और फेलियर क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में भी तो हम यही किए, लास्ट लेक्चर में भी हम लोग यही इसी कॉन्सेप्ट को लाए हैं, लास्ट लेक्चर में क्या किए हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट को लाए हैं, और इस लेक्चर में भी हम क्या किए, इस लेक्चर को लाए हैं। अब ऐसा करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमें, हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि हमारे पास सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है ना। अब हम कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन हमारे ये तो कलम कर दिए थे, है ना, ये तो लगभग आपका हो गया था, है ना, इसको इरेज कर लेते हैं, वही चीज़ है जो आपको कल समझाए थे। और ये चलिए एक क्वेश्चन आपके पास है,
अब हम क्वेश्चन को लिए, अब इसको हमको डील करना है। तो डील करना है तो इसमें सब कुछ पता करेंगे हम लोग। सबसे पहले पता करेंगे एन, बताओ एन कितना है 10। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बस अब यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। एग्जैक्टली सिक्स हेड, हमको सिक्स हेड चाहिए। अब हेड टेल का बात है बच्चों, यानी कि सक्सेस या फिर पी क्या डिनोट कर रहा है, 1/2 सक्सेस तो हमारा पी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी 1/2 और फेलियर क्यू ये भी 1/2 क्योंकि हेड आने का भी 1/2 होता है प्रोबेबिलिटी और टेल आने का भी क्या प्रोबेबिलिटी 1/2। तो चलिए अब हमारे पास क्या है, इसको अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। बाइनोमियल एन आ रही इसी तरह से ना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, अगर पी इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर है, इसको इस तरह छोड़िए, इसको लिखिए पी इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर है, हमारे पास होगा एन सी आर पी आर और क्यू एन माइनस आर। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है पहला क्वेश्चन, x का वैल्यू कितना बच्चों, x का वैल्यू 6 है, यानी कि r की जगह क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, यानी 10 टाइम में 6 बार हेड आना चाहिए, 10 बार में 6 बार हेड आना चाहिए। तो 10c 6p 1/2 6q 1/2 10-4 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो यहाँ पे वही यहाँ p की जगह पे होगा, इन दोनों को ऐड करके हमेशा n के बराबर होना चाहिए। तो अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ये तो 1/2 पे पावर 10 ही हो गया, तो कितना हो जाएगा 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ये हो गया 1 into 10 0 2 दोबारा वर्दे समान इतना ही हो जाएगा, कर दें 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 4 3 2 4 8 3 3 कितना हो जाएगा 7 3 10 210 कितना जाएगा बच्चों 210 यानी कि 210 अपॉन 224 हो जाएगा। यानी पहले का जो आंसर है वो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें तो 210 अपॉन 224। अब हमारे पास दूसरा है एटलीस्ट सिक्स हेड, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा बच्चों, थोड़ा सा इसमें यूज करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं हम इसको इरेज करते हैं, है ना, इसको इरेज करने में कोई किसी को खास प्रॉब्लम नहीं है, इसको समझ में तो आएंगे। अब एटलीस्ट सिक्स हेड कहने का मतलब क्या है, एटलीस्ट सिक्स हेड कहने का मतलब क्या कि मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम को सिक्स हेड चाहिए, सिक्स हेड से ज्यादा भी चाहिए। एटलीस्ट का तो कॉन्सेप्ट पता है ना बच्चों, एटलीस्ट कहने का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट सिक्स बोला है तो एटलीस्ट सिक्स बोला है कहने का मतलब क्या है, एक्स छह तो चाहिए, छह से ज्यादा जितना हो सकता है सब चाहिए, छह से ज्यादा जितना हो सकता है सब चाहिए। तो छह से ज्यादा कितना हो सकता है 10 बार, है ना, तो 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसका मतलब हमको सबका प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी हमें चाहिए p x इक्वल टू 6 भी चाहिए, p x इक्वल टू 7 भी चाहिए, p x इक्वल टू 8 भी चाहिए, p x इक्वल टू 9 भी चाहिए प्लस p सबका चाहिए। अब हमें सबका चाहिए तो सबका इंडिविजुअल निकाल के ऐड करना पड़ेगा। अगर इसका निकालते हैं बच्चों तो जल्दी से बताओ इसका कितना होगा, 10c 6, है ना, और p और q, अच्छा एक बार इसमें इसलिए हो जाएगा कि दोनों का वैल्यू तो बराबर ही है, p का वैल्यू 1/2 और q का वैल्यू 1/2, तो आपके हर केस में 1/2 के पावर 10 ही होगा, 1/2 के पावर 10 ही होगा। देख लो कैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p का वैल्यू है 1/2 6 और q का वैल्यू 1/2 10-6 4 होगा ना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है ये कुछ इस तरह से, अगर p x इक्वल टू r है, आपके पास n c r p r और q n माइनस r, देखिए पुट किया यहाँ पे। अच्छा अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 10c 7 1/2 7 1/2 3, देखो इन दोनों का और इन दोनों का हमेशा सेम होगा, वो तो सेम होता रहेगा, ये तो कभी कभी केस में होता है ऐसा कि जहाँ पे हमारा P और Q हारने और जीतने का प्रोबेबिलिटी सेम है, हारने और जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है सेम है। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 7 का हो गया 10c 8 1/2 8 1/2, उसके बाद होगा आई थिंक इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का सबसे बीजी और इजीएस्ट तरीका क्या हो जाएगा कि सब में ये कॉमन हो जाएगा, देखिए 1/2 पे पावर 10 कॉमन हो गया सब में, हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इसको सॉल्व करते एक बार ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पे क्या है कि 1/2 पे पावर 10 ये तो आपका सब में कॉमन हो गया ना, ये तो आपका सब में कॉमन हो गया, तो ये 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल या बोलते हैं 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सॉरी प्लस ना होगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल
8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको तो आप ऐड कर सकते हैं ना, इसको तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 8 8 का 90, ये 45 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कुछ, इसका भी कुछ आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व तो आसानी से कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 193/512, है ना। इसको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करना बहुत ईजी, कोई हार्ड नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा 193/512। चलिए ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला करते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, एटमोस्ट बोलो बच्चों, एटमोस्ट करने का मतलब क्या है, एटमोस्ट करने का मतलब सिक्स, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिक्स, उससे कम जितना भी हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिक्स, उससे कम जितना भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा के लिए हम इरेज करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम सिक्स चाहिए। तो मैक्सिमम सिक्स हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम सिक्स आने का मतलब जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, पी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि आपके पास जीरो हेड भी आ सकता है, एक हेड भी आ सकता है, दो हेड भी आ सकता है, तीन हेड भी आ सकता है, चार हेड भी आ सकता है, पांच हेड भी आ सकता है, और छह हेड भी आ सकता है। तब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक एक करके इसको पॉसिबल अलग अलग करके हम लोग पता कर लेते हैं ना, सबका अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 10 से 0 और जीरो आने का, यानी कि पी पे जीरो, पी नहीं, यहाँ पे पी का वैल्यू क्या लिखते हैं, जीरो, 10, इस तरह से हम सबका निकाल लेंगे। क्या निकालना बहुत हार्ड होगा बच्चों, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन फिर भी ये क्लियर है। हाँ, इसको हम लोग और शॉर्टकट तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, एटमोस्ट सिक्स हेड। तो एटमोस्ट सिक्स हेड कहने का मतलब है, देखो ध्यान रखना, एटमोस्ट सिक्स हेड चाहिए। तो एक बात तो पता, चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं, एक एक करके सोल्व करके सॉल्व करिए जो आएगा जो आंसर। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं, दूसरा तरीका हम देखते हैं, हमें क्या चाहिए, एटमोस्ट सिक्स हेड। तो हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9 हम पूरा लिख दिए। अब पूरा का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, पूरा का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। बात को समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम अगर जीरो से लेकर के सब सारे का सारा टर्म को लिख देते हैं तो सारे का टर्म प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगा ना। यानी जीरो हेड आने का, एक हेड आने का, दो हेड आने का, तीन हेड आने का, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, दस हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। सबको हम लोग याद कीजिए, सबको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड कर देते हैं, कितना आता था, 1 आता था, तो 1 हो गया। तो अगर हमको इसका निकालना है तो हमको क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 या तो आप देखिए हल्का सोच सकते, या तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों का निकाल के ऐड कीजिए, या फिर 1, 2, 3, 4 का निकालिए, 4 का निकालने के बाद इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से 1 - 4। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, इजी कॉन्सेप्ट नहीं था, क्या हम कहें, हमें चाहिए एटमोस्ट सिक्स। तो एटमोस्ट सिक्स का मतलब क्या है, हमें 0 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, 6 भी चाहिए। तो उसको निकालने का तरीका इज इक्वल टू 1 - 7 का, इसको आप ऐसे कर लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, 7 6 आने का, 8 6 आने का, 9 6 आने का और 10 6 आने का। इस सारों का निकाल करके ऐड करके ऐसे सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा इजी है, या फिर 7 का प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना ज्यादा इजी है। जाहिर सी बात है, ये ज्यादा इजी है। तो जो ज्यादा इजी रहेगा बच्चों, हम लोग उसी को कॉन्सेप्ट, उसी पे काम करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि अगर आपके पास इस टाइप का, अगर बोला यहाँ पे क्या एटमोस्ट 9 हेड बोलता है, आपके पास क्या बोलता है, एटमोस्ट 9 हेड बोलता है, तो आप क्या कर दे रहे सबका 1, 2, 3, 4, 5 9 हेड इक्वल टू 1 - 1 - पी एक्स इक्वल टू 10, है ना। तो सबका अलग अलग निकालने से बेटर होगा, सबका अलग अलग निकालने से बेटर होगा कि 10 हेड का निकाल करके उसको एक से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि सबका सम क्या होगा, 1 ही आने वाला है। तो इस मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आएगा, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग और कैलकुलेशन लेंदी जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो कैंसिल और इस भिड़ जाएंगे तो थोड़ा सा ईजी। तो वही चीज इसमें, यहाँ पे 7 प्रोसेस है, यहाँ पे 4 प्रोसेस है, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन समझिए, है ना। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको ऐसा कीजिए, वीडियो पॉज करके भी बना सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके जरूर बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है पेयर ऑफ डाइस कंसीडर फोर टाइम्स, चार टाइम्स को थ्रो किया जाता है। अब चार टाइम में थ्रो किया जाता है, इफ द गेटिंग ए डबलेट कंसीडर सक्सेस, अगर डबलेट आ गया तो हमारा सक्सेस होगा, है ना, डबलेट आ गया तो सक्सेस होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस, आपको बहुत क्लियर दम दे दिया बच्चों, बहुत ईजी दे दिया। सबसे पहले एन एक्सपेल टू फोर, चार टाइम किया जा रहा है, क्या लाना है प्रोबेबिलिटी गेट सक्सेस कब आएगा, सक्सेस यानी कि पी कब आएगा, जब डबलेट आएगा, बताओ डबलेट क्या क्या होता है, क्या क्या होता है डबलेट, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स, इसी को ना डबलेट बोलते हैं, यानी डबलेट करने का मतलब क्या, दोनों दोनों डाइस में हमारा सेम ही चीज आए, दोनों डाइस में हमारा क्या है सेम ही चीज आए। तो बताओ बच्चों दो डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे टोटल आउटकम, टोटल सैंपल स्पेस 36, टोटल सैंपल स्पेस 36, प्रेवेलेबल आउटकम 6, हमारे पास कितना 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास सक्सेस होने का क्या चाहिए 6 बाय 36, 1 बाय 6 तो फेल हुआ 5 बाय 6, सक्सेस होने का 1 बाय 6 तो फेल होने का 5 बाय 6 है ना, फेल होने का 5 बाय 6 है। अब क्वेश्चन क्या है, हमें कम से कम दो बार सक्सेस चाहिए, यानी कि r = 2 2, तो आप क्या आपका फॉर्मूला खुद करो ना, यही था ना फॉर्मूला, P x equal to 2, दो बार सक्सेस चाहिए, तो चार बार में दो बार हमें सक्सेस चाहिए, चार बार में दो बार सक्सेस चाहिए, P का वैल्यू 1 by 6, R का वैल्यू 2, और 5 by 6, P भी 2, ठीक है, आप इसको दो बार जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल, तो 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल लिख लेते हैं डायरेक्ट, और 2 into 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 6 आ गया, और यहाँ से अच्छा यहाँ से आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, और 36 1296, तो ये तो हमारा कट गया, सॉरी नहीं अभी काटते हैं, 6 बार से डिले काट देते हैं, तो 6 बार से डिले कर काटते हैं, 2 3 6 तो हमारा हो गया 216 आ जाएगा ना, अरे 25 अपॉन 25 अपॉन 216 आ जाएगा ना, इसमें कैलकुलेशन किया बच्चों, यहाँ पर सिर्फ क्या कैलकुलेशन, और ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला गया था आपके पास, बोला गया था टोटल नंबर ऑफ टाइम 4, दो बार सक्सेस आना चाहिए, यानी कि पी का वैल्यू 2 या फिर आर का वैल्यू 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पी का वैल्यू 2, दो बार हमें सक्सेस आना चाहिए, दो बार सक्सेस आना चाहिए, तो हम फॉर्मूला पुट किए और ये फॉर्मूला पे हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, हमको 5 चाहिए एग्जैक्टली ट्वाइस, दो बार चाहिए, 5 चाहिए दो बार चाहिए, और 7 थ्रो ऑफ डाइस, हम कितने बार थ्रो कर रहे हैं 7 बार थ्रो कर रहे हैं, क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन तो इजी है, बहुत इजी, हम सेम टू सेम उसी कंडीशन, कितने बार थ्रो करें 7 बार, एन का वैल्यू 7, क्या चाहिए हमें 5 चाहिए, तो 5 आने का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 5 आने का प्रोबेबिलिटी 1 बटा डाइस है ना 6, 1 बाय 6, 5 तो 1 बटा 6 एक ही बार आएगा ना, तो 1 बाय 6 तो फेल हुआ, यानी ये आपका क्या हो गया पी हो गया, पी से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोट कर रहे हैं, क्यू से हम फेलवर का प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रहे हैं, तो क्या हो गया 5 बाय 6 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाँ बच्चों क्या चाहिए, ट्वाइस चाहिए हमें, कितना बार चाहिए एग्जैक्टली ट्वाइस, दो बार सक्सेस चाहिए, दो बार सक्सेस चाहिए, हो तो गया x इक्वल टू r n c r p r q n माइनस r, है ना क्लियर, अच्छा n का वैल्यू 7 c 2 p, p का वैल्यू कितना, सॉरी p का वैल्यू ना डायरेक्ट पुट करो r, r का वैल्यू 2 है ना, तो हम इसको नहीं कैलकुलेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों, क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे वो देखो, यहाँ से पहले 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 6 पे पावर 5 यानी कि बहुत लेंदी प्रोसेस आने वाला, तो आप इसको कहिए 7 सी 2 को खाली सॉल्व कर लीजिए ना, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 कट गया तो ये आपके पास 3, यहाँ से आ गया 21 इंटू 5 का स्क्वायर नहीं करते हैं ना, तो आपके पास आ गया 21 इंटू 5 पे पावर 5 इंटू, बस रहने दो, इतना भी काफी है ना, इतना भी अगर बना लिए तो आप भी काफी है, आप चाहे तो आंसर मिला सकते हैं, है ना, चाहे तो आंसर मिला सकते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का ही है, आंसर मिला के देख लीजिएगा कितना आ रहा है ना। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आई थिंक क्वेश्चन क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझने में कोई खास दिक्कत नहीं है, एकदम ईजी जा रहा है ना, यानी कि हमारे पास बर्नौली ट्रायल और बर्नौली थ्योरम का भी क्वेश्चन बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बार। ए फाइव कार्ड ड्रॉन है बच्चों, क्वेश्चन तो क्लियरली विजुअल आप लोग को है ना। तो फाइव कार्ड ड्रॉन है सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट बच्चों यानी इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया उसी के साथ, ऑफ ए बेलसफेट कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल फाइव कार्ड्स आर स्पेड। देखो पांच कार्ड निकाला जाए यानी नंबर ऑफ ट्रायल कितना बच्चों, तुम स्टम्प लिखते जाओ नंबर ऑफ ट्रायल पांच, विथ रिप्लेसमेंट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, पांचों का पांचों स्पीड होना चाहिए यानी स्पीड आना हमारा जितने का है, यहां से लिखते जाते हैं एन का वैल्यू पांच, पी पी हमारा क्या है गेटिंग स्पीड, तो स्पीड कितना पीस होता है 4/52, 1/13 ठीक है, और क्यू हमारा क्या होगा नोट गेट स्पीड, स्पीड नहीं आया अदर कार्ड यहां पर लिखो अदर कार्ड, तो अदर कार्ड हो गया 48/52 12/13 कोई दिक्कत नहीं, पहला बहुत ही तो हम आसानी से करेंगे, हम इजली करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेशन ऐसा कर देना बच्चों, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन हम आपने के लिए छोड़ते हैं है ना, कुछ तो आप करो, सारा कुछ हम ही कर लेंगे। पहले हम देखते हैं ऑल फाइव कार्ड स्पीड, पांचों का पांचों स्पीड होना चाहिए, फॉर्मूला क्या था हमारे पास पी एन माइनस आर। चलिए पहला क्वेश्चन, पांचों का पांचों स्पीड होना चाहिए पी एक्स इक्वल टू फाइव यानी कि फाइव सी फाइव, फाइव ट्रायल है आपके पार्टी के पास क्या स्पीड है पी, पी का वैल्यू कितना है और ये बेचारे तो जीरो ही हो जाएगा, पांच पांच जीरो जिसको इतना ही रहने देते हैं आप, इसको सब फाइव से फाइव तो बनी हो जाएगा, इसका दूसरे का आंसर लिख लो ना क्योंकि फाइव से फाइव का वैल्यू बन यानी एक ही आंसर, यही आंसर होने वाला। दूसरा ओनली थ्री कार्ड स्पीड, तीन कार्ड स्पीड तो ठीक है तीन पुट कर देंगे, तीन पुट कर देंगे फाइव से थ्री 1/13 थ्री और 12/13 टू, क्या कोई खास प्रॉब्लम नहीं ना, नन का रहा स्पीड नन मतलब जीरो, ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी था, फाइव से जीरो अच्छा नन है यानी कि हम इसको नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऐसे तो जीरो ही हो जाएगा और क्या हो जाएगा बैक कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अरे खुश हो, क्वेश्चन तो इजी ही है ना, तो इसमें हड़बड़ाने वाली बात क्या है, अच्छे जा रहे हो ना ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ये क्वेश्चन ठीक है थोड़ा, अरे ये क्वेश्चन अच्छा भी है, तो आई थिंक अगर आप पॉज करके बनाना चाहते तो बना लीजिए, नहीं तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब प्रोड्यूस बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डे ऑफ यूज इज 0.5। अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि ये फ्यूज हो जाता है, बट इज प्रोबेबिलिटी द सच बल्ब नन फ्यूज, अच्छा फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी है 0.05 यानी कि जो फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी है वही हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है बच्चों, जो फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी वही हमारा सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, तो आपको बात पता है ना कि कभी कभी डिफेक्टिव चीज में भी हमारा सक्सेस है, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आस्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग सक्सेस क्रिएट करते हैं, तो फ्यूज वाली बात हो रहा है, तो फ्यूज होने का यानी पी है हमारे पास दिया हुआ है 0.05, तो क्यू 0.95 होगा, सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पी में एक सब ट्रैक करने का 0.95 हो जाएगा है ना, तो हम लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि पी प्लस क्यू इक्वल टू बन, तो पी हमारा इतना हो गया, तो पी हमारा इतना हो गया। अब हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, पांच बॉल को निकाला गया है, कितना बॉल को निकाला गया पांच, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू पांच, पांच बॉल को निकाला गया तो एन का वैल्यू पांच हो गया। पहले में हमें चाहिए नन डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए, तो एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए बच्चों, तो तुरंत बनाएंगे पी एक्स जीरो, डिफेक्टिव नहीं चाहिए, नहीं चाहिए फाइव सी जीरो, डिफेक्टिव नहीं चाहिए, फाइव से जीरो हमारा हो गया और क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 0.05 पावर जीरो बट 0.95 पावर फाइव, क्या क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया बच्चों, फाइव जीरो पी देख लो यहाँ पे एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर, क्या इसी का फॉर्मूला है ना यहाँ पे, और चलिए अच्छे से क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या है, ये तो पहला का हो गया आंसर, दूसरा नोट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं, नोट मोर देन वन कहने का मतलब हो रहा है एक से ज्यादा नहीं, एक से कम होना चाहिए, तो एक से कम होना चाहिए तो कहने का एक भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है, अगर कहने का मतलब है कि नोट मोर देन वन कहीं ना कहीं आपको ये चीज इंडिकेट कर रहा है, वो ये चीज इंडिकेट कर रहा है ना
ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, यानी जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एटमोस्ट भी बोल सकते हैं, नॉट मोर को क्या बोल सकते हैं, एटमोस्ट भी बोल सकते हैं, एटमोस्ट वन, एटमोस्ट वन का तो स्थान यही है ना, तो एटमोस्ट वन का निकालना बच्चों, इसके मतलब क्या पी एक्स, हमको लगता है कैलकुलेशन से बराबर कर लीजिएगा, है ना, कैलकुलेशन से बराबर कर लीजिएगा, जो आंसर है वो आप आंसर से मिला सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा समझ में आया कि नहीं आया, एटमोस्ट वन कहने का मतलब क्या हो गया, एटमोस्ट वन नोट मोर देन वन, यानी कि एक हो सकता है, जीरो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं एटमोस्ट वन। अच्छा मोर देन वन, एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा हो, ध्यान दो एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा, चलिए तो हम लोग थर्ड वन की बात करते हैं, थर्ड वन में हमारा क्या है, मोर देन वन, मोर देन वन कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, अगर हम मोर देन वन की बात करें, मोर देन वन देखो एक से ज्यादा, मोर देन वन यानी एक से ज्यादा हो गया, तो आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू टू, पी एक्स इक्वल टू थ्री प्लस पी एक्स इक्वल टू फोर प्लस पी एक्स इक्वल टू फाइव, आप ये कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप एक से ज्यादा यानी दो तीन चार पांच सभी को ऐड कर सकते हैं, दो तीन चार पांच सभी को ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप हल्का सा दिमाग लगाइएगा, या फिर अगर आप हल्का सा दिमाग लगाइए तो आप क्या जानते हैं कि सर हम सबको ऐड करेंगे तो वन के बराबर होगा, सबको ऐड करेंगे तो वन के बराबर होगा, आप पांच तक जा रहे हैं, पी फोर और एक जीरो वाला भी तो ऐड कर लें, अगर हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास वन के बराबर होगा ना, वन के बराबर होगा। अब इसको एक टाइप लिखते हैं, इसको एक टाइप लिखते हैं, हमको इसका सम चाहिए, हमको क्या चाहिए इसका सम चाहिए, तो क्यों ना इसका सम निकालने के लिए हम इसको उधर माइनस कर देते हैं, इसको उधर हम माइनस कर देंगे, ये वाला टर्म को हम उधर लिखते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, वन माइनस पी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस पी एक्स इक्वल टू वन, तो इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया, यानी हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन वन, क्या निकालना था बच्चों, मोर देन वन, वन वन से ज्यादा, तो वन से ज्यादा दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, तो सबका अलग अलग निकाल के ऐड करना इज समथिंग या ए लिटिल बिट लेंथी, लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू वन, और आपको हेल्प कौन देने वाला है, ये चीज आप निकाल चुके हैं, ये आप क्वेश्चन नंबर टू में निकाल चुके, तो और भी इजिली बन जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड डायरेक्ट वन माइनस दिस कर दो आपके पास ही आ जाएगा, तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है बच्चों, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए नहीं कि अगर आप दे दिया मोर देन वन तो आप एक का निकाल करके ऐड कर रहे हो, तो अभी कितना टाइम जाएगा। चलिए अब क्या है, एटलीस्ट वन, अब देखो एटलीस्ट बोला बच्चों, एटलीस्ट बोला तो हम डायरेक्ट बताएं इसका क्या होगा, एटलीस्ट खाने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया एटलीस्ट खाने का मतलब, तो ये हो गया यानी एक या एक से ज्यादा, तो हम सब ट्रैक किसका करेंगे बच्चों, किसका सब ट्रैक करेंगे, हमको एक या एक से ज्यादा चाहिए, हमें क्या चाहिए एटलीस्ट वन, एक बॉल फ्यूज चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, यानी दो बॉल भी हो सकता है, तीन बॉल भी हो सकता है, चार बॉल भी हो सकता है, तो हमें चाहिए क्या, हमें ये पूरा चाहिए, हमें क्या चाहिए, वन बॉल भी, दो बॉल भी, तीन बॉल भी, चार बॉल भी, पांच बॉल भी, सभी का सभी चाहिए, उसको हम कितना इजीली लिख सकते हैं वन माइनस पी, क्या ये सही तरीका सही है, हम सबको निकाल के ऐड करें या फिर हम डायरेक्ट वन माइनस पी एक्स इक्वल टू जीरो कर दे तो आपका इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो सभी को हम ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के अनुसार सबका सम कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, तो वन हमारे पास आ गया, है ना, सबके सबको कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, सबका सम वन आना चाहिए, वन आ गया। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट हमें इसका वैल्यू चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, इसको क्या करेंगे, सिंपली घर जाकर माइनस कर देंगे पी एक्स इक्वल टू जीरो, अब बताओ पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो है ना, एक एटलीस्ट वन यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो कहने का मतलब क्या, जीरो फ्यूज चाहिए, फाइव सी जीरो, फाइव सी जीरो, और उसके बाद जीरो पावर जीरो, हमारे पास जीरो हो गया, ये फाइव हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आंसर आ गया आपके पास। तो आई होप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे आप, अब आप जाकर के इसका क्वेश्चन आंसर को बनाइए, क्वेश्चन आंसर बनाइए, फिर जो डाउट है वो डाउट आप हमसे